आज हम बात करेंगे सम इफ की फॉर्मूले की। सम इफ मतलब कि सम विद कंडीशंस, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे सम करना है तो जनरली सम लगाते हैं तो पूरे जनवरी के कॉलम का टोटल दे देता है, लेकिन मुझे इसमें पर्टिकुलर चीज का टोटल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जनवरी में जो पूजा का सेल है उसका टोटल चाहिए, उस केस में हम सम तो लगा नहीं सकते क्योंकि सम के साथ हमने फिल्टर करनी है पूजा की। तो यहां पे हम यूज करेंगे सम इफ, सम विथ कंडीशंस। तो यहां पे दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है आपका सम इफ्स, जब आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया होगा, मल्टीपल कंडीशन होगी तो हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम समिफ लगाएंगे। समिफ के अंदर में तीन चीजें आप यहां देख रहे हैं, समिफ को चाहिए चाहिए तीन चीजें। पहला चाहिए रेंज, कि जो पूजा की क्राइटेरिया है वो किस कॉलम में किस रेंज में मैच करेगा। तो हमने बोल दिया इसमें ए कॉलम में। फिर चाहिए होता है क्राइटेरिया कि इसके अंदर क्या मैच करना है, तो पूजा को मैच करना। तीसरा चाहिए होता है सम रेंज, सम रेंज मतलब कि इसका किस कॉलम का सम निकालना है, तो इस कॉलम का। तो हमने दिया कि ए कॉलम के अंदर पूजा का जहां जहां पूजा है उसके बी कॉलम में जो वैल्यू है उसका टोटल यहां पे दे दे, और सम इफ ने आपको यहां पे टोटल दे भी दिया। अब बात किस नीचे एक बार और बताता हूं, मुझे मोहन का टोटल चाहिए तो हमने यहां पे सिंपली सम इफ लगाया, और इसमें हमने रेंज दिया कॉलम ए, और इसमें क्राइटेरिया दिया मोहन, और फिर हमने रेंज दिया ए बाई ए, और यहां पे हमारा टोटल आ गया। तो सम इफ में इस तरह से क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो डाउट। नहीं सर। अब इसमें कंडीशंस क्या लगा सकते हैं? कंडीशन इसमें हम क्या लगा सकते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अब यहाँ पे जैन का टोटल चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि जो क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है उसका टोटल चाहिए। मतलब कि बोला गया है कि जो 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 50 से ऊपर का सेल है उसको उस पे जो है कमीशन, या फिर हाँ कमीशन ही मान लीजिए, उसको कमीशन देना है। तो मुझे पता करना है कि कमीशन कितना दिया गया है, क्योंकि तो जब मुझे जैन महीने का टोटल कमीशन पता चल जाएगा। तो इस पे हम कमीशन निकाल सकते हैं,
यहां पे इक्वल करते हैं सम एफ, और सम इफ के अंदर हम जैन को सेलेक्ट करते हैं और इसको ग्रेटर देन 50 को सेलेक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने सम इफ में कॉलम दिया बी और आई एड कर दिया, मतलब कि ग्रेटर देन 50, और रिजल्ट आ गया। अब आप बोलेंगे कि यहां पे तो हमने तीन क्राइटेरिया दिया है, सम रेंज, रेंज क्राइटेरिया एंड सम रेंज, बट यहां पे हमने सिर्फ दो दिया है, रेंज क्राइटेरिया, इसमें हमने सम रेंज नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सम रेंज ना देने के पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि इसमें आप देखिए, आपको जब फॉर्मूला शुरू किए थे उसी समय हमने आपको बोला था कि लास्ट वाला जो होता है जिसमें बड़ी ब्रैकेट लगा है वो आपका ऑप्शनल होता है, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपका ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल है कि जिसमें क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही हो तो देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया, मान लीजिए मैं 60 लिखता हूं, मुझे चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल दे रखा है, बट मैं यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पे सिंबल नहीं देना चाहता। तो उस केस में यहां हम सम इफ लगाएंगे, सम इफ रेंज देते हैं अपना, जो रेंज है हमारा, उसके बाद क्राइटेरिया, हम क्राइटेरिया में ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन जो भी सिंबल है उसके लगाने के बाद कॉनकैटेनेट कर देते हैं अपने इसको, जो हमारा कंडीशंस है। एंटर मारिए, अब आपके सामने आ गया। अब इसको नीचे तक इसको टोटल कर दीजिए और यहां पे आपके सामने टोटल हो जाएगा। मतलब इसी तरह से आप ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू डाल सकते हैं। तो समझ में आया आपको? अतीत जी आपकी क्लास आधे घंटे बाद है, कुंदन जी, रवि जी और एक सुशील जी भी ज्वाइन किए हैं सर आज। सर लिंक पे क्लिक किए तो चालू हो गया इसलिए हम ज्वाइन हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं सर। आप रह सकते हैं। और सुशील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। ओके, आप ही ना इंडोनेशिया से हैं? हाँ जी। ठीक है सर, चलिए। तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पूजा है और कहीं पे मैं लिख देता हूँ पूजा सिंह, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे कंप्लीट नेम है और कहीं पे इनकम्प्लीट नेम है। अगर मैं ये पूजा का टोटल लगा रहा हूं तो क्या होगा? तो ये सिर्फ पूजा का टोटल दे रहा है, पूजा सिंह का टोटल नहीं दे रहा है। अब देखिए, मैं पूजा को यहां पूजा सिंह कर देता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे हमारी वैल्यू कम गई। मन आया सर? जैसे कि आपका दिल्ली और न्यू दिल्ली है, हालांकि एक ही है लेकिन लिखते अलग अलग है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या करें? तो इस केस में मुझे इस तरह से पूजा को लिखना होगा दोनों तरफ का सिंबल करके, और फिर यहां पे मैं सम इफ का फॉर्मूला दूंगा और सम इफ के अंदर में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर रेंज देंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस सब फॉर्मूले का यूज कहां है। तो पहले चलिए उस आप लोगों की ये प्रॉब्लम दूर करते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज करेंगे। एक छोटा सा फाइल हमने ओपन किया है, ओपन होने दीजिए इसको।
अब जैसे डेटा है हमारे पास, अब मान लीजिए मुझे सेल्स मोड के अकॉर्डिंग सम चाहिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस पे पिवट लगाते हैं, पिवट टेबल एंड ओके, और हमने सेल्स मोड को रो में रखा और अपनी जो सेल्स है हमारी, सेल्स की क्वांटिटी है उसको यहाँ रखा, तो ये रिपोर्ट हमारा बन जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम डेटा के अंदर किसी भी तरह का चेंजिंग करते हैं तो ये अपडेट तब होता है जब इस पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं, सॉरी इस पिवट पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बाय फॉर्मूला हो कि एंटर प्रेस होते ही हो जाए, और बहुत सारे कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशंस पिवट में नहीं हो पाती है, इसलिए जो समराइजेशन है, जो हमारी समरी है, वो समरी हम फॉर्मूले के जरिए निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, सम इफ, और डेटा में जाएंगे सेल्स रेंज, फिर वापस आएंगे क्राइटेरिया, फिर वापस डेटा में जाएंगे हमारा सम रेंज इट क्वांटिटी आ गया, और फिर इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए रेफरेंसेस में कितना है, 43072। अब मैं अपने डेटा में जाता हूँ, रेफरेंसेस में मैं क्वांटिटी को यहाँ पे 7500 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा 50497 आ गया, बट यहाँ अपडेट नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश करेंगे फिर जाके अपडेट होगा, बट ये एक एंट्री पे ही अपडेट हो गया। दूसरी, इसमें कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो मुझे पिवट के अंदर जाना होगा, या वो भी पूरी तरह से कैलकुलेशन नहीं होगा, बट यहाँ हम जो मर्जी हो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को कि हम सम इफ और इस तरह के समराइजेशन फॉर्मूले इस्तेमाल क्यों करते हैं? सुशील जी आप में आया? जी सर। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे तो ये आपने बताया, आपको ये तो हमने अपनी कंडीशंस बताई। दूसरी हम यहाँ बताया कि हम इस दोनों तरफ अगर हम स्टार लगा देते हैं तो यहाँ पे कंटेन विथ का ऑप्शन चलेगा, पूजा और पूजा सिंह, मतलब कि पूजा उसके बीच में होती, चाहे वो सिंह पूजा हो या पूजा सिंह हो या कुमार पूजा सिंह हो, दोनों को ले लेगा। लेकिन अगर मैंने पूजा लिखा और उसके बाद स्टार लगाया तो अब क्या होगा, अब होगा स्टार्ट विथ पूजा, और हमने पूजा लिखे और लास्ट में, सॉरी इसमें पहले हमने स्टार लगाया और हमने पूजा लिखा, तो हो जाता है एंड विथ पूजा, इसमें पूजा सिंह नहीं आएगा, जिसका लास्ट में पूजा है वही आएगा। तो दोनों तरफ अगर स्टार लगाते हैं इसका मतलब है कि कंटेंट एक तरफ लगाते हैं तो लास्ट में लगाते हैं तो स्टार्ट विथ, और शुरुआत में लगाते हैं तो एंड विथ। तो अगर आपके बहुत सारे नाम हैं तो आपको फॉर्मूले के अंदर ही स्टार कॉन्कैटेनेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, रेंज क्राइटेरिया और यहां हमारा सम रेंज। तो क्राइटेरिया में हमने क्रिएट किया है, मुझे मान लीजिए इसको दोनों तरफ स्टार चाहिए तो स्टार के यहां पे कॉन्कैटेनेट कर देते हैं। और फिर एंटर कर देते, इस तरह के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, कभी मान लीजिए कि इसमें एक और है कि एक हमारे वेंडर है, उसको 3 डिजिट का कोड मिलता है, उसको उसका नाम नहीं होता है, 3 डिजिट का कोड होता है। तो अब मुझे कई सारे कोड है, मुझे यहाँ पे ऑल ओवर वेंडर का टोटल चाहिए, तो कोड तो कई सारे हैं लेकिन मुझे इतना पता है कि कोड 3 डिजिट का ही होता है, तो आप यहाँ 3 बार क्वेश्चन मार्क कर लें और फिर मैं यहाँ पे सम इफ लगा सकता हूँ, सम इफ, और फिर हमने यहाँ पे रेंज दिया
और फिर हमने क्राइटेरिया दिया और फिर यहां पे हमने अपना सम रेंज दिया, 144 आ गया। दूसरा मान लीजिए मुझे अगर चार और फाइव दोनों का टोटल चाहिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे पूजा का इन जैन फैब दोनों का चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि सम एफ लगाया और फिर उन्होंने रेंज को सिलेक्ट किया और फिर सिलेक्ट किया पूजा को, और क्राइटेरिया में उन्होंने एक नहीं दो को सिलेक्ट कर लिया जैन और फैब को। तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक करें या दस करें या 10,000 करें कॉलन, वो सिर्फ पहले कॉलन का ही टोटल दिखाएगा, दोनों को ज्वाइंट नहीं करेगा। दोनों का ज्वाइन करवाना है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला ट्रिक्स है, वो हम आपको आगे एरे की क्लासेस में बताएंगे। तो ये जो हमने बताया आपको, ये था हमारा सिर्फ सिंगल कंडीशंस कि आप इसमें सिंगल कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुशील जी, अतीश जी, कुंदन जी, कोई डाउट इसमें? सर वो जो हेलो हाँ बोलिए, एस्ट्रिक जो लगाए सर वो कनकटा नेट से तो टेक्स्ट में हो गया, वह टेक्स्ट तो मैं बस दोनों कर सकता कैटेगरी क्या रीड कर लेता है सर। ये एस्ट्रिक और एंड वाला फॉर्मूला एक बार फिर से बताइएगा सामने, बताइए क्या दिक्कत है। ये मतलब कनकटा नेट कर दिया ना, एंड फॉर्मूला ज्वाइन करने का काम करता है, जैसे यहां पे सुजीत और यहाँ कुमार लिखा है, तो मुझे दोनों को ज्वाइन करके सुजीत कुमार चाहिए, तो कॉनकटा नेट लगाए या फिर इसको सेलेक्ट करके एन परसेंट के साथ इसको कर दे, इकट्ठा हो जाता है। अच्छा ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या हुआ कि ए स्टार और ए स्टार दोनों में ज्वाइन हो गया, इन्वर्टेड कुमार हमने से दिया कि टेक्स्ट है, स्टार जो है वो टेक्स्ट है, ठीक है। तो सर क्राइटेरिया में नुमेरिक और ये क्या होता है? क्राइटेरिया में जैसे आप कंडीशन लॉजिकल कंडीशन लगाते हैं, वो टेक्स्ट ही अकॉर्डिंग चल लेता है, वो वर्क कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास डबल कंडीशन है, जैसे मैं यहाँ पे पूजा का सेल चाहता हूँ जिसका ग्रेटर देन 50 सेल है। अब आप सम इफ का फॉर्मूला सिर्फ लगा सकते हो सिंगल कंडीशंस पे, मल्टीपल कंडीशन पे सम इफ आपका वर्क नहीं करता है। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं सम इफ्स, क्या यूज करते हैं सम इफ्स। हमने सेलेक्ट किया अपना रेंज और हम चले गए रेंज सम रेंज को, पहले इसमें थोड़ा सा उल्टा चलता है, पहले इसमें सम रेंज देना होता है, फिर अपनी पहली क्राइटेरिया और पहली क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लें, फिर दूसरी क्राइटेरिया और दूसरी क्राइटेरिया को सिलेक्ट करें, ऐसे तीसरी चौथी पांचवी क्राइटेरिया ले जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट डाला हुआ है और मान लीजिए यहाँ पे सेल्स है और मैं यहाँ पे डेट डालता हूँ, और यहां हम कुछ रेंज डाल देते हैं, इस पे हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें मान लीजिए कि जनवरी का टोटल चाहिए, क्या चाहिए जनवरी का, कैसे होगा? सबसे पहले मैं जनवरी की स्टार्टिंग डेट बनाऊंगा कुछ इस तरह से, 1- और n परसेंट से हमने इसको कलेक्ट करके एक डेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने ईओ मंथ लगाया और ईओ मंथ को इसमें हमने कॉमा 0 कर दिया, तो इस महीने की लास्ट डेट मुझे पता चल गई, समझे? अब मैं यहां पे सम इफ्स लगाऊंगा और बोलूंगा कि मुझे सम करना है पहले रेंज में, और फिर हम बोलूंगा कि पहली क्राइटेरिया रेंज में जाओ और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान से देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके साथ हमने स्टार्ट डेट को ले लिया और फिर कॉमा हमने वापस इसको सेलेक्ट किया और बोला कि भाई
लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हमने वापस डेट को ले लिया, सॉरी इसको 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 लेना इसको। तो यहां पे क्या है सम मीन्स मुझे सम कहां करना है बी कॉलम से। पहले क्राइटेरिया ए कॉलम्स में क्या है क्राइटेरिया, तो ग्रेटर देन फर्स्ट जैन 2020 और फर्स्ट जैन 2020 में डायरेक्ट नहीं लिख सकता, इसलिए हमने ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ इसके साथ कंबाइन कर दिया और सेम हमने इसको भी किया लेस देन इक्वल टू, तो एक से बड़ा और 31 से छोटा, तो मुझे जनवरी महीने का टोटल दिख गया। इस तरह से मैं फैब करूंगा तो फैब का टोटल आ जाएगा, मार्च करूंगा तो मार्च का टोटल आ जाएगा। कोई डाउट आप लोगों को? नहीं होने चाहिए सर। तो इससे समीफ के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, कल इस पे और चीज डिस्कस करेंगे और फिर आपको एक एक कुछ क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।